अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार शाही गाजर का हलवा। चलिए फ्रेंड्स, इसे किस तरह बनाया जाएगा देख लेंगे। सबसे पहले रख लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम 3 से 4 स्पून तक का घी। घी जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी कैरेट जो मैंने बारीक से घिस लिया है। ये लगभग 400 ग्राम से थोड़ा कम है कैरेट। 400 ग्राम कैरेट लेकर मैं इसे अच्छे से धोकर साफ कर इसे अच्छे से घिस ली हूँ फ्रेंड्स, तुरुप ली हूँ। देखिए अब हम इसे घी के अंदर अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल चल जाए, इसकी कच्ची खुशबू चले जाए। जब तक हम इसे अच्छे से लो फ्लेम में रखकर अच्छे से हम इसे भून लेंगे फ्रेंड्स। बाद में हम इसमें दूध डालेंगे। देखिए मैं अच्छे से भून चुकी हूँ ना घी के अंदर कैरेट को। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास तक का दूध। दूध को भी मैं अच्छे से गर्म करके रख ली थी फ्रेंड्स। देखिए 1 गिलास दूध डाल देंगे। अब हम इसे गैस के फ्लेम को हाई करके हम इसे अच्छे से पका लेंगे, तब तक के हमारा गाजर अच्छे से गल जाए। इसके पहले के 2 वीडियो में भी मैं गाजर का हलवा बनाई हूँ फ्रेंड्स। इसका तरीका बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। ये बनाना बहुत मज़ेदार होता है, आप भी आपके घरों में ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। ये 3 से 4 इलायची को मैं अच्छे से कूट कर डाल चुकी हूँ। आप चाहिए तो पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 स्पून तक का मिल्क पाउडर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे हलवे के अंदर, और ये थोड़ा बाइंड भी हो जाएगा, थोड़ा जमने भी लगेगा और खाने के वक्त हमें बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। देखिए अब मैं मिल्क पाउडर डाल चुकी हूँ ना, इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी जितनी शक्कर। आप अपने अंदाज से लीजिए फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा खाते हैं मीठा, कोई कम खाते हैं, आप वो देखकर शक्कर लीजिए। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके हम अब इसमें 1 कटोरी जितना खोया डालेंगे, मावा डालेंगे। ये लगभग 150 ग्राम जितना मावा है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें मावा डालेंगे। मावा डालकर थोड़ी देर इस तरह ऐसे ही हमें ढककर पकाना है 3 से 4 मिनट तक का। अब मैं फिर मिक्स कर चुकी हूँ। देखिए अब हमारा हलवा अच्छे से बेंट हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। देखिए मैं अब इसमें हलवाई स्टाइल की तरह यही कप मंगवा कर इसमें सर्व कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।